आज के दिन भर समाचार, पहले सुर्खियां। गीतकार जावेद अख्तर ने तालिबान से की आरएसएस की तुलना, वीएचपी ने की जावेद अख्तर को अफगानिस्तान भेजने की मांग। थप्पड़ गर्ल के बाद अब आया चप्पल गर्ल का वीडियो, सरेआम की मंचले की पिटाई। नीट में आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। अब समाचार विस्तार से। जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना तालिबान से करते हुए इसे समर्थन देने वाले लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। न्यूज चैनल के साथ बातचीत में अख्तर ने कहा कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों का भी यही उद्देश्य है जो तालिबान का है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान इनके लक्ष्य की राह के आड़े में आ रहा है, लेकिन अगर मौका मिला तो ये उसी बाउंड्री को पार कर जाएंगे। अख्तर के इस बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनके इस बयान के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की है, जो बेहद शर्मनाक है। उन जैसे लोगों को प्लेन में बैठाकर अफगानिस्तान छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जावेद के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो कार्यकर्ता अपने स्तर से निपटेगा। नमस्कार। लखनऊ की थप्पड़ गर्ल प्रिय दर्शनी के बाद अब सोशल मीडिया पर एक और लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे यूजर्स चप्पल गर्ल का नाम दे रहे हैं। हालांकि प्रिय दर्शनी की तरह इस बार इस घटना की निंदा नहीं की जा रही है, बल्कि लोग चप्पल गर्ल की सराहना कर रहे हैं। वायरल हो रहा वीडियो में उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है। यहाँ जिले की एक बेटी ने सोमवार को कुछ ऐसा कर दिखाया जो दूसरी बेटियों के लिए नजीर बन गया है। मोबाइल नंबर मांगने पर उसने एक सिर फिरे को न सिर्फ सबक सिखाया, बल्कि बीच चौराहे पर चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। यही नहीं, मंचले को पीटने के बाद युवती ने से हिदायत भी दी है कि दोबारा ऐसा हरकत की तो FIR दर्ज करा देंगे। बीच चौराहे जिस तरह बेटी ने साहस का परिचय दिया, उसके सभी कायल हो गए हैं। सभी ने बेटी की प्रशंसा की और कहा कि हर बेटी को इस तरह मंचलों से मुकाबला करना चाहिए। ये कहाँ के रहने वाला? ये कितने दिन से पीछा कर रहे हैं आपका? क्या किया आपने फिर? क्या क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली हो? क्या कहा अभी, पीछा कर रहे थे आपका? हाँ। कोई कमेंट पास किया क्या? हाँ। फिर आपने नंबर मांग रहे थे? हाँ। ये कहाँ का रहने वाला है? सुप्रीम कोर्ट सोमवार को चिकित्सा पाठ्यक्रमों यानी मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए राष्ट्रीय पात्र सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण लागू करके केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। सर्वोच्च अदालत ने इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। एक अन्य याचिकाकर्ता यश टेकवानी एवं अन्य की ओर से दलीलें पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि पहले एक फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि उच्च डिग्री पाठ्यक्रमों में कोई आरक्षण नहीं होगा, अब इस फैसले से नीट पर प्रभाव पड़ेगा। इस पर अदालत ने कहा कि संबंधित मामले में वह पहले ही नोटिस जारी कर रही है। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने 2 हफ्ते में प्रतिवादियों से जवाब देने को कहा है।